चलिए फाइनली एक बहुत ही गुड न्यूज़ है हम सभी लोगों के लिए जो अब तक कंफ्यूज थे, इतने सारे न्यूज़ होते हुए भी कंफ्यूज थे कि सही में हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं इंडिया से दुबई, दुबई से सऊदी। अब मेरे पास एक ऑडियो मैसेज है अब्दुल भाई का, जो इंडिया से दुबई आए, दुबई में वो 14 दिन रुके और फिर यहाँ से गए वो सऊदी और वो जद्दा पहुँच चुके हैं। उन्होंने एक ऑडियो मैसेज भेजा है, इसके लिए मैं अब्बास पटेल को थैंक यू बोलूँगा क्योंकि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। उन्होंने मुझे कहा कि आप प्लीज़ लोगों को बताएं कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, बहुत सारे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो रहे हैं, तो मैं आपके साथ ये ऑडियो शेयर करूँगा, आप प्लीज़ इसको सुनिए और इससे रिलेटेड आपको अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप राइट कमेंट में लिख दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि अब्बास पटेल के द्वारा या फिर अब्दुल को कांटेक्ट करूं और आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन दूं। अभी आप ऑडियो सुनिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। भाइयों, मैं यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जिद्दा पहुंच गया हूँ गुज़िश्ता रात को। इंडिया से दुबई गया था और वहां पर 14 दिन रुकने के बाद दुबई में कोविड का टेस्ट करवा कर 15वें दिन दुबई से जिद्दा के लिए निकला था मैं, और फ्लाइट में भी दो फॉर्म फिलअप करवाते हैं वो लोग, और यहाँ एयरपोर्ट पे उतर कर वो जो दुबई में कोविड का रिपोर्ट करवाया उस पर उन लोगों ने यहाँ पर ओके का स्टिकर लगा दिया और बाद में सीधा इमिग्रेशन में भी कुछ पूछते नहीं है, नो क्वेश्चन एट ऑल। सिर्फ मुझे पूछा कि एग्जिट री एंट्री, मैंने बोला हाँ, तो मुझे बोला इकामा है, मैंने बोला हाँ, इकामा दिया उसको, उसने फौरन फिंगरप्रिंट लिए, स्टैम्प किया और मैं एंटर हो गया, सामान लिया और घर पहुंच गया। अब यहाँ 2 दिन क्वारंटाइन होकर घर में ही 3rd डे कोविड का टेस्ट करवा कर अगर रिपोर्ट आता है नेगेटिव तो इंसान कहीं भी घूम सकता है, जॉब पे जा सकता है, कोई रुकावट नहीं है। जो भी बातें चल रही है, मेरा जो खुद का जो तजुर्बा गुज़िश्ता रात का है उस हिसाब से जो भी बातें चल रही है इधर उधर की वो सब बकवास है और रूमर है, वरना ये बहुत आसान तरीका है। जैसे मैं यहाँ पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह, हर कोई आ सकता है, कोई रुकावट नहीं है, यहाँ पर भी हर चीज खुली है, सुपरमार्केट, रेस्टोरेंट, ऑफिस है, दुकान है, सब कुछ खुला हुआ है यहाँ पर, और बहुत अच्छा इंतजाम है एयरपोर्ट पर भी, किसी का वक्त जाया नहीं करते हैं ये लोग, बहुत स्मूथ प्रोसेस रखा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ आसान है। और अब्बास पटेल ने एक मुझे एजेंसी का एजेंट का डिटेल भी दिया है, वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। जब आप ऑडियो सुन रहे होंगे तो वहाँ पे एक डिस्प्ले होगा, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। वो अब्बास पटेल भी अभी दुबई में ही हैं, वो भी उसी एजेंट से आए हैं, तो अगर आप एजेंट से आएंगे तो वो क्या करेंगे कि दो लोगों को एक साथ भेजेगा, तो उससे क्या रहता है कि अकोमोडेशन का खर्चा थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आप देखिए अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।